ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो हम लोग पढ़ रहे हैं 16th chapter, 15th chapter and पूरा चैप्टर, दैट्स ऑल। तो 28 श्लोक हैं इसमें, 6th canto 15th chapter, 28 श्लोक। और इस अध्याय में मैं कल बता रहा था कि चित्रकेतु महाराज का पुत्र मर गया और बहुत दुखी थे वो। और शोक में जब व्यक्ति होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसको समझ नहीं आता, बुद्धि नाशो प्रनश्यति। तो सबसे पहले किसी भी को भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसका पहले शोक हटाना होता है, और शोक हटाने का एक तरीका नॉलेज, आप ऐसे नहीं हटा सकते। तो चित्रकेतु को नारद मुनि और अंगिरा ऋषि नॉलेज देने आए, came to give knowledge. So, वो लोग आए चित्रकेतु को, हम कल पढ़ रहे थे कि चित्रकेतु के बच्चे के पुत्र को जीवित कर दिया उन्होंने, that was, और चित्रकेतु के पुत्र ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि वे कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। और फिर उसके बाद नारद मुनि और अंगिरा ऋषि ने भी चित्रकेतु को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, किसे उनका शोक खत्म हो जाए और उनको रियलिटी पता लग जाए। शोक किसको होता है? जो शूद्र होते हैं उनको शोक होता है, शूद्र की डेफिनेशन ही है, शोकम द्रव्यति इति शूद्र। जिसका हृदय शोक से द्रवित हो जाता है वो शूद्र है। शूद्र मतलब बेसिकली जो हमेशा रोता रहता है। सो अगर आप सोसाइटी में देखोगे सब क्या है, सब शूद्र है, नहीं अल्टीमेटली सब रोते ही रहते हैं, आगे क्या होगा, अब क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसा कह दिया, फ्यूचर के बारे में सोच के रोते रहते हैं और पास्ट के बारे में सोच के रोते रहते हैं। और शूद्र होता है जो प्रॉब्लम्स देखता है, सॉल्यूशन ही देखता है, वो शूद्र होता है। सोचता रहता है वो, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम। तो जनरली क्या होता है, जनरली जो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स है, उद्यम करने वाले, ये पुराने वर्ड हो गए। सो जो एंटरप्रेनर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग जनरली अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो जनरली प्रॉब्लम्स नहीं देखते, वो सॉल्यूशन देखते रहते हैं। और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम्स देखते रहते हैं, हमें पे नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं सोचते, उल्टा होता है। नहीं तो ये थोड़ा मिसमैच है, एम्प्लॉयज पैसिमिस्टिक होते हैं और एंटरप्रेनर ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो इसलिए कंपनी चलाना सब बहुत बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रजा भी चलाना बहुत मुश्किल है। राजा हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, प्रजा हमेशा रोती रहेगी, ये लॉ पास हो गया, वो लॉ पास हो गया, इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसी पर सेट नहीं हो रहा। तो ब्राह्मण होते हैं वो शोक नहीं करते, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए वो घबराते नहीं। इनफैक्ट किंग की एक क्वालिटी है कि वो कभी नहीं घबराएगा कितने भी प्रॉब्लम्स में, क्यों? क्योंकि 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 उसको उसका भगवान पे फेथ है नहीं। तो शूद्र है, उनको भगवान की नॉलेज नहीं होती, इसलिए उनको लगता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन कहाँ निकलेगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मगर डिवोटी को भगवान पे फेथ है ना, कि भगवान पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। इसलिए चित्रकेतु अभी शूद्र की तरह एक्ट कर रहे हैं, मेरा बच्चा मर गया, आप क्या करें, रो रहे हैं, अब भैया अब जो मर गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, एज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अब मर गया तो अब ऐसा क्या करें कि दोबारा से सिचुएशन में ना आए, ये सही इंटेलिजेंस है ना। सो नारद मुनि अंगिरा ऋषि आए, अब वो चित्रकेतु को नॉलेज दे रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला है कि हमारा इस्कॉन मूवमेंट शूद्रों को ब्राह्मण बनाने के लिए है,
ब्राह्मण जो हमेशा हैप्पी रहता है, ब्राह्मण की डेफिनेशन है ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मेरा कनेक्शन भगवान से है। ठीक है, हजार प्रॉब्लम है मगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो भगवान सॉल्व ना कर पाए। और दूसरी बात यह है कि अगर इस संसार में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो दूसरी प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी। इस संसार में कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम्स का, है नहीं। सबको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं ऐसा कर लूँगा, मगर जब वो करता है तो हज़ार प्रॉब्लम और आ जाती है। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हज़ार प्रॉब्लम और आ जाती है। नहीं, प्रॉब्लम्स का कभी एंड नहीं होता। आप देख लो, आप कोई भी कहीं भी देख लो, आप कंट्री के लेवल पर देख लो, पर्सनल लेवल पर देख लो, कुछ भी देख लो। और लोग इस उम्मीद में पूरे लाइफ बिता देते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स, मगर कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सो इनफैक्ट मूर्ख उम्मीदों पे जीता है, मगर बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की कृपा पे जीता है। फर्क है नहीं, उम्मीदों पे जीने से कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि झूठे दोस्त मिलते हैं। और अल्टीमेटली हार मिलती है, क्योंकि आप उम्मीद करते 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 गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। मगर जो भगवान की कृपा पर निर्भर है, भगवान के डायरेक्शंस पर निर्भर है, वो कभी कंफ्यूज नहीं होता। इनफैक्ट कल ही मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक किंग था। सो उस किंग ने क्या किया, उसको उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मतलब असाध्य बीमारी। तो उसने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हें असाध्य रोग है, ठीक नहीं हो सकते, तुम मरे। फिर उसने साधुओं को बुलाया कि भी कुछ करो, डॉक्टर तो कुछ नहीं कर पा रहा। साधु ने कहा कि भी अब हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मंत्री ने भी जवाब दे दिया समय, तो राजा ने कहा मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, मुझे जीना है, इसी होप, मैं कैसे मरूंगा, मैं राजा हूँ। सो ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। तो मंत्री उसको ना, तो ऑफकोर्स मंत्री, तो अब राजा ने अपनी होप नहीं छोड़ी, तो अगर मंत्री बोलेंगे नहीं नहीं आप मरोगे तो वो भी मर गए, तो वो फिर उनको उसको गलत होप देने लगे, हाँ आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। साधु ने भी कहा कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, भगवान की कृपा से आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि, हकीम ने कहा कि भाई अब मैं कुछ नहीं करूँगा, तो मैं भी गया। उसने कहा एक ही सॉल्यूशन है, हकीम ने कहा यू सी होप, राजा को होप थी ना, तो उसके उसको, उसको अब राजा को गलत एडवाइसेस मिलने लगी। सो हकीम ने कहा कि एक ही तरीका है कि तुम्हारी बीमारी जब ठीक होगी, जब तुम किसी नौजवान लड़के का हृदय निकाल के उसको पीस के हर्ब्स में फिर खाओगे, उसके हम डिश बना के खिलाएंगे, तब ठीक हो जाओगे। तो उसने सोचा भी ऐसा तो होगा नहीं, ये तो राजा मना कर देगा। राजा ने कहा हाँ ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। उसके मंत्रियों ने कहा देखो ये अच्छा सॉल्यूशन है, आप ऐसे ही करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो तो सब ने कन्विंस कर दिया राजा को, मंत्री ने, डॉक्टर ने, साधुओं ने। उन्होंने कहा ठीक है अब ढूंढ के लाओ। सो उन्होंने कहीं किसी, कोई गरीब फैमिली थी, उसको पकड़ा, तो उसको बोला कि तुम्हें करोड़ों रुपए देंगे, अशरफियाँ देंगे। अब और वो मनी के प्रेशर में वो दब गए, तो उसने अपने बच्चे को दे दिया, नौजवान बच्चे को, तो उसको पकड़ के ले आए। तो फिर अब जो कसाई, तो कसाई काटने के लिए खड़ा हो गया उसका गला। तो जब उसको काटने के लिए खड़ा हो ना, तो बच्चे ने आसमान की तरफ देख के हंसने लगा, वो लड़का। राजा ने कहा भाई तू हंस क्यों रहा है, तो तू तो डरा होना चाहिए। तो उस नौजवान लड़के ने कहा देखो ये जो डॉक्टर है इसका काम क्या है, इसका काम है कि सबकी जान बचाए, और ये साधु क्या है, इसका काम है सबका मंगल के बारे में सोचे, किसी में भेदभाव ना करे, और ये मंत्री क्या है, मंत्री कभी सत्य को ना छुपाए और राजा को सही एडवाइस दे, गलत डायरेक्शन में ले जाए। और राजा क्या है, राजा हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचे, अगर टाइम अगर समय आए तो अपना जीवन त्याग कर प्रजा की रक्षा करे। सो तो नौजवान लड़के ने कहा भाई ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ये जो साधु है ये तो भेदभाव कर रहा है, ये राजा है और ये नौजवान लड़का है, और राजा के पक्षपात कर दिया उसने। कैन यू जस्ट दिस कम ऑन द साइड, ये जस्ट सिट है, इसको हटा दो। सो राजा जो है वो जो साधु है वो पक्षपात कर रहा है, जो मंत्री है वो गलत एडवाइस कर रहा है, सत्य को छुपा कर
कि भैया तू ये रोग असाध्य है, कोई कलेजा खाने से कोई 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 बीमारी ठीक नहीं होती, इसने हाइड कर दिया। और ये जो कौन है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर को सबका जीवन बचाना चाहिए, और ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। और सारे मूल की जड़ तो राजा ही है जो गलत उम्मीदों पे जी रहा है कि मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगा। सो लड़के ने कहा भैया उम्मीदों ने सबको अंधा कर दिया है और गलत दोस्त बना दिए, गलत डायरेक्शन में ले गया। सो राजा के आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा भी चलो, राजा ने कहा छोड़ दो इसको। राजा ने कहा ये तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो मैं अब आज से उम्मीदों पे नहीं जीऊँगा, भगवान की जो कृपा है उस पे जीऊँगा, भगवान मुझे निर्दर ना दिया, ठीक है मरना आता है तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। सो दैट्स द पॉइंट, जो उम्मीदों पे जीता है वो हमेशा वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि होप्स आदमी को अंधा कर देती। यही यही संसार है ना, यही तो है, गलत होप्स दे रहे हैं ना लोग, सक्सेस गुरुज और ये सक्सेस लो, मिलियनर बन जाओगे, किसी के मत सुनो, गलत होप्स हैं। और उस होप्स को हम मेंटेन करने के चक्कर में एक तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं और सारे दोस्त हमारे गलत बन जाते हैं। जो हमारी होप के अगेंस्ट बोलते हैं उससे दुश्मनी कर लेते हैं, जो होप जो हमारी होप को बढ़ाते हैं उससे वापस फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और सारे ऐसे मंत्री साधु सब ऐसे चारों तरफ हो जाते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। सो चित्रकेतु को भी की होप थी, चित्रकेतु जो था ना शूद्र है ना, शूद्रों की तरह एक्ट कर रहा है, रो रहा है कि क्या करें अब क्या करें, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा रो इसलिए रहा ना, उसको होप है मेरा बच्चा शायद जिंदा हो जाए, मरे नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो नारद मुनि अंगिरा ऋषि ने आके एग्जैक्टली बोला कि भैया तुम गलत संसार में जी रहे हो, होप्स के वर्ड में जो जिएगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी तो मैं कह रहा था वो जो ये जो आपका जो नहीं है, कौन है ये, कल बात कर रहा था ना कौन, विवेक बिंद्रा, ठीक, उसकी बिल्कुल फुलिश एडवाइस थी। मैंने क्लिप देखा था, उसने कहा कि भी यू शुड पीपल हैव यू शुड हैव एंडलेस होप, क्या पता नहीं क्या एंड में कहा था उसने, एंडलेस होप, तब आप जिंदा रह सकते हो, तब आप सक्सेस पा सकते हो, एंडलेस होप नहीं मतलब। बट दैट्स ए वेरी बैड एडवाइस, क्योंकि उसे हमेशा परेशान रहोगे आप, लिमिटेशन में रहोगे, शूद्र बन जाओगे। सो अंगिरा ऋषि क्या कह रहे हैं, लेट्स सी नारद मुनि की एडवाइस क्या है। अभी जो एडवाइस दे रहे हैं ना नारद मुनि अंगिरा ऋषि, वो सिर्फ चित्रकेतु के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो हम सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम सब भी इसी सिचुएशन में है नहीं, हम सब भी सेम सिचुएशन है, हम भी रोते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया क्या हो गया, अब इससे निकले कैसे। सो दैट्स एडवाइस क्या दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा उचातुर मृतक को पाने, एनीवे आई जस्ट ओके, नारद मुनि एडवाइस कर रहे हैं पहले, यहाँ पे देखते हैं ओके। सो नारद मुनि ने कहा कि ओ किंग को अयम स्यातव राजेंद्र, कि नारद मुनि ने कहा कि हे राजन मुझे पहले बताओ कि ये जो बच्चा मर गया तुम्हारे सामने, इससे तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, इससे पहले सोचने की सोचो तुम। पहली बात तो है कि ये जो मरा हुआ शरीर है इससे तो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस शरीर से तो कोई रिलेशनशिप नहीं है ना तुम्हारा, एटलीस्ट तुम्हारा, मदर का हो सकता तुम्हारा नहीं है। और जो जीव आत्मा है उससे भी तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि वो तो अलग अलग शरीरों में जा रही है, वो तो कितने रहे मदर फादर है, तो तुम कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। इनफैक्ट जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वो भी बहुत कंफ्यूज थे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र पता ना चार कुमार, सनत सनातन सनक सनक, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि संसार के प्रॉब्लम से निकले कैसे, मगर उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो भगवान हंस अवतार लेके आए। और उन ब्रह्मा जी के पुत्रों ने पूछा हंस अवतार से कि आप कौन है, तो हंस अवतार ने पता क्या आंसर दिया कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, तुम किससे पूछ रहे हो तुम कौन हो, अगर तुम्हें शरीर से पूछ रहे हो तुम कौन हो तो फिर तो तुम्हें पता है शरीर क्या है, जल पृथ्वी अग्नि वायु फाइव एलिमेंट्स है, मतलब शरीर और पत्थर में क्या फर्क है, तो पूछने की जरूरत ही क्या तुम कौन हो। और अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कौन हो जो जीव आत्मा है, अगर तुम्हें लग रहा है मैं जीव आत्मा हूँ कोई पर्सनालिटी हूँ, तो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मैं वही हूँ जो तुम हो, तुम भी आत्मा हो मैं भी आत्मा, अगर तुम अपने को जान लोगे तो मुझे भी जान लोगे,
कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अगर पानी का एक सैंपल लोगे तो आपको सारे पानी के बारे में पता लग जाएगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। वो कन्फ्यूज हो गए, उन्होंने कहा भैया, तो उन्होंने कहा आप साधारण हंस नहीं लग रहे, आप कोई भगवान ही होंगे, वरना ऐसा आंसर तो कोई नहीं देगा। सो नारद मुनि ने सेम चीज़ कही, तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं है इस व्यक्ति से, ना आत्मा से ना शरीर से। और वैसे भी तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम ये कह सकते हो, तुम चो अस्य कतम सृष्टौ, तो तुम ये कह सकते हो कि तुम इसके फादर, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम फादर हो, तुम इसके, तुम्हारा ही पुत्र है एटलीस्ट रिलेटिवली। मगर नारद मुनि ने कहा कि ये भी गलत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप तुम सोच के देखो, क्या क्या इसके जन्म से पहले तुम्हारा इससे रिलेशनशिप था, उसके मृत्यु के बाद? अगर जन्म से पहले नहीं था तो मृत्यु की बात क्यों है? सिंपल सी बात है, जब वो एग्जिस्ट नहीं करता तब तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं था, जब एग्जिस्ट कर रहा तब रिलेशनशिप है, जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर क्यों है? सिंपल सी बात है। सुनार मुनि लॉजिक दे रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि लॉजिक से बुद्धि में दिमाग चीज़ें फिट नहीं होती, इतनी जल्दी फिट नहीं होती। मगर ये जो है ना, ये ऋषि मुनि बहुत पावरफुल होते हैं, इन इसे लॉजिक नहीं दे रहे, ये कन्विक्शन भी है इनको, इनको पता है ऐसा ही है, तो इनकी बातों से लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं। क्यों? आप देखो, कुछ कितने लोग प्रीचिंग करते हैं, कुछ लोगों से लोग कन्विंस हो जाते हैं, कुछ लोगों से नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको खुद को कन्विक्शन होती है कि ऐसा ही है। नारद मुनि कह रहे हैं वेल दिस इज ट्रूथ, और इस पर सोच के देखो। नारद मुनि कह रहे हैं यथा अप्रयंती संयांति स्त्रोत वेगे न बालुका। नारद मुनि कह रहे हैं कि देखो, जैसे समुद्र किनारे इतने सारे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, लहरें आती हैं, कभी मिलते हैं कभी दूर हो जाते हैं, ऐसे ही संसार में लोग संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते, संसार में लोग अपने काल के प्रभाव से मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? धृतराष्ट्र को भी बोलता था विदुर, विदुर जी बोलते थे धृतराष्ट्र को, ये सब बता देते, मगर प्रॉब्लम थी जैसे ही दुर्योधन उसके सामने आता था धृतराष्ट्र के, विल फॉरगेट एवरीथिंग। तभी बता रहा था कि अटैचमेंट्स बहुत बुरी चीज़ है, अटैचमेंट्स रियलिटी को छुपा देती है, अब भूल जाओगे जैसे वो सामने आएगी। और जो व्यक्ति अटैचमेंट से बाहर निकल गया वो, उसको कहते हैं मुक्त जीव, क्योंकि वो एग्जैक्टली रियलिटी देख पाएगा, क्या चल पाएगा। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? इसलिए जब तुम मैरिज से पहले फीमेल बहुत सुंदर लगती है, कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता, मैरिज के बाद सारे डिफेक्ट नज़र आने लगते हैं। गए भैया से शादी क्यों कर ली, मेरे को क्या हो गया था, मैं सोच रहा था परी है, मगर निकली घदी। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? मोस्टली ऐसे ही होता है। अब उसको पहले क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उसकी आंखों पे क्या, कौन सा पर्दा है? अटैचमेंट का पर्दा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। अब बाद में क्यों दिखाई दे रहा? क्योंकि अटैचमेंट हट गई, साथ रहने लगा ना फैमिलिटी से। मतलब ये एक्सपीरियंस तो हम सबको है, और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, हमारी लाइफ का मेजर एक्सपीरियंस है, और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या कहेंगे इस व्यक्ति को? मूर्खी कहेंगे ना, बेवकूफ है, उसके बाद हो गया और फिर भी उसको समझ नहीं आया। इस आदमी को कहते हैं, इसको कहते हैं शूद्र, इसको शूद्र कहते हैं। शूद्र जिसको, शूद्र वो होता है जिसको ठोकर लगने का आदमी समझ नहीं आता, ब्राह्मण वो होता है जो ठोकर लगने नहीं देता अपने आप को, नॉलेज से समझ लेता है, ब्राह्मण वो है। नारद मुनि ने बताया भाई देखो, भाई समझने की कोशिश करो चित्रकेतु, हमारा किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ हमारा भगवान से रिलेशनशिप है। इसका मतलब नहीं कि रिलेशनशिप झूठे हैं, इसका मतलब नहीं आप रिलेशनशिप्स की कोई वैल्यू नहीं दो, इसका मतलब ये नहीं है, बट इसका मतलब है कि रिलेशनशिप्स के चक्कर में रियलिटी मत भूल जाओ। रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए कुछ नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स फॉलो कर लो, उसको कहते हैं मोरालिटी, उसको कहते हैं धर्म, मगर उसके चक्कर में भगवान को मत भूलो, भक्ति को मत भूलो। दैट्स द आइडिया, मतलब उन रिलेशन, इस संसार के अटैचमेंट को अपने दिमाग पे भूत मत चढ़ने दो। अटैचमेंट तो नेचुरल है भी, आप प्रभुपाद को एक पेरेंट्स ने, एक माता जी ने लेटर लिखा कि प्रभुपाद आप कहते हैं अटैच नहीं होना चाहिए, तो हमारी, मेरी तो अटैचमेंट है बच्चों से बहुत। प्रभुपाद ने कहा तो नेचुरल है, वो आप कैसे हटाओगे?
मगर उसमें इतना खो मत कि तुम भक्ति भूल जाओ, उन बच्चों को भी भक्ति में लगाओ और खुद भी भक्ति में लगो। इसलिए एडवाइज ये अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, एडवाइज ये है कि हम सब कुछ करते हैं संसार में मगर उससे अपनी बुद्धि को आवृत नहीं होने देते। सीधा आइडिया, सो ऐसे नहीं हमारे डिवोटीज की वाइफ, डिवोटीज में मैरिज नहीं होती और बच्चे नहीं होते, वाइफ नहीं होती, या हम लोग किसी से बात नहीं करते, या हमारे फ्रेंड्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि ये सब टेम्प्ररी है और हम टेम्प्ररी चीज़ों के लिए परमानेंट चीज़ नहीं छोड़ सकते। आप परमानेंट चीज़ के लिए टेम्प्ररी चीज़ अगर टाइम आए तो छोड़ देंगे, मगर उल्टा नहीं कर सकते। सुनारद मुनि यही समझा रहे हैं उनको कि यस, ज़्यादा शोक करने की जरूरत नहीं, जो हो गया हो गया, ठीक है, दैट्स ओके, थोड़ा बहुत शोक होगा उसको कॉन्कर करो और आगे बढ़ो, इस नॉलेज को यूज करो। नारद मुनि का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यथा धाना सुवई धाना भवंती न भवंती च। सो कह रहे हैं कि भी अगर आप एक ग्राउंड में कभी कभी बीज डालोगे तो कभी कभी बीज उगेगा, कभी कभी नहीं उगेगा। तो बीज के उगने ना उगना किस पे डिपेंड करता है? हाँ, मतलब डेफिनेटली ग्राउंड पे डिपेंड करता है, यानी सॉइल पे, मेनली सॉइल पे करेगा। तो और भी फैक्टर्स है ना, तो उसी प्रकार नारद मुनि कह रहे हैं, उसी प्रकार एवं भूतानि भूतेषु, उसी प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जन्म देता है। तो कभी बच्चा होता है, कभी नहीं होता, हर टाइम होता है ना, प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब इट टेक्स टाइम टू गेट प्रेगनेंट। च उदिनाशी मायाया, और ये सब, तो इसका मतलब है कि आपने बच्चा पैदा नहीं किया, कोई और फोर्स है जो कंट्रोल कर रही है चीज, क्योंकि अगर आप करना आते तो फिर तो एक ही बार में बच्चा हो जाता, मगर ऐसा नहीं होता। कहीं 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 कपल्स के तो बच्चा ही नहीं होता, वो ट्राई करते रहते हैं। सो कोई और फोर्स है जो सैंक्शन कर रही है उस बच्चे का होने के लिए। तो अगर ऐसी बात है कि कोई सैंक्शन कर रही है बच्चे का होने के लिए, तो मतलब अल्टीमेटली किसी और, कोई और चीज़ कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान कंट्रोल कर रहे हैं उस चीज़ को। सो अगर भगवान कंट्रोल कर रहे हैं तो जिसने दिया है उसने ले लिया, तुम दुखी क्यों हो? वे जो कंट्रोल कर रहा है, अगर कंट्रोल करने वाले ने आपको बच्चा दिया है और उसने बच्चा ले लिया, तो फिर दुखी क्या बात है? और जो पॉइंट, दुख तो तब होगा ना जब आपको लग रहा है कि आपने लिया है, यानी कि मैंने इतनी मेहनत करके कमाया और फिर किसी ने छीन लिया, दुख तो तब होता है ना। मगर भाई अगर मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट दिया कुछ और फिर खो गया, थोड़ा दुख होगा, ज़्यादा नहीं होगा, भी गिफ्ट मिला था चलो ठीक है, आपने मेहनत से कमाया भाई 10 साल लगा के और फिर खो गया, तब बड़ा दुख होगा, है नहीं? सो नारद मुनि कह रहे हैं इल्यूजन है, इस संसार में इल्यूजन है, हम सोचते हैं हमने मेहनत करके कमाया मगर एक्चुअली नहीं होता, सब चीज़ भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान देते हैं और भगवान ले लेते हैं। इनफैक्ट आप लोग तो बिजनेस मैन हो, बिजनेस ऐसे ही है, हमें बिजनेस में कभी मेहनत से ज़्यादा कुछ नहीं होता, लोग सोचते हैं सब किस्मत से होता है, कई लोग मेहनत करते रहते हैं, सिस्टम बनाते रहते हैं, फिर फेल हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग उतने इन्वेस्ट करेंगे जितना, क्या कहते हैं, जितना रिस्क फ्री हो तब चलेगा, बिजनेस नहीं चलता। कई लोग सब कुछ रिस्क पे लेके लगा देते हैं और अंबानी बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो सब कुछ कंट्रोल्ड है मगर हम इल्यूजन में ना, हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कंट्रोल नहीं है, मगर एक्चुअली भगवान के परफेक्ट कंट्रोल है। ऐसे बच्चा नहीं, तो बच्चा सोचता है ना कुछ भी कंट्रोल नहीं है, बच्चे को लगता है मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी है वो भी है, घर में भागूंगा चिल्लाऊंगा, उसको लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुश रहता है, मगर एक्चुअली उसको पता नहीं कि पेरेंट्स के पूरे पूरे कंट्रोल में है। वो तो उसको थोड़ी फ्रीडम दे रखी है घर में, बस और कुछ नहीं है, वो चाहे तो वो भी हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसकी फ्रीडम भी कंट्रोल में। यू सी द पॉइंट, समझ रहे हो ना? उसकी फ्रीडम भी कंट्रोल में है, वो कंट्रोल्ड फ्रीडम दी हुई है, यू सी द पॉइंट। तो आप अगर आप अपने को फ्री भी समझते हो तब भी वो फ्रीडम भी कंट्रोल्ड है, क्योंकि सब कुछ नहीं कर पाओगे, सोचोगे तो जरूरी नहीं है वैसा हो जाएगा।
सो इसको तो नारद मुनि कह रहे हैं भाई तुम दुखी क्यों, जब सब कुछ कंट्रोल्ड है तो दुखी होने वाली बात क्या, फिर तो सब कंट्रोल में ही चल रहा है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो फिर तुम्हारा बच्चा मर गया तो मैं अननेसेसरली क्यों फालतू में रोए जा रहे हो। च उदिनाशी शमाया, मगर माया से लगता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। सो द पॉइंट इज कि हम भूल जाते हैं कि हम कंट्रोल में है, यही तो माया है और क्या, हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट डूअर हैं, ऐसा नहीं हम कुछ करते हैं, हमारी फ्रीडम भी कंट्रोल में है नहीं। जैसे जो प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमंस फ्री हैं कुछ भी बोलने के लिए, मगर डॉग बॉडी में आप फ्री नहीं हो बोलने के लिए, वो फ्रीडम छीन ली गई है, यू कैन सिंपली बार्क, तो वो और रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम हो गई, मगर भौंक किसी भी स्टाइल में सकता है मगर बोल नहीं सकता। दैट्स राइट, हम बोल किसी भी स्टाइल में सकते हैं मगर हम उड़ नहीं सकते, क्या करोगे आप। और चिड़िया किसी भी स्टाइल में उड़ सकती है मगर स्विम नहीं कर सकती या बोल नहीं सकती। सो लिमिटेड है नहीं फ्रीडम, अब ये किसने लिमिट किया फ्रीडम, भगवान ने, क्या ऐसे क्यों है। इस ह्यूमन को देखा आपने उड़ते हुए क्यों, अगर 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 आप जीन थ्योरी में बिलीव करो तो अभी तक जेनेटिक म्यूटेशन हो जानी चाहिए उड़ने के लिए, बताए ना म्यूटेशन, क्योंकि उड़ना सर्वाइवल के लिए बेटर है ना। मतलब अगर हम अगर ह्यूमंस बेस्ट मतलब बेस्ट स्पीशीज हैं एवोल्यूशन स्केल पे, तो उड़ना डिलीट नहीं होना चाहिए था, है नहीं। अब आप पहले डायनासोर बने, फिर बर्ड्स बन गए, उसके बाद ह्यूमंस आ गए, जो भी है उन्होंने जो भी बनाया, तो हमारे तो बेटर है ना, अगर मतलब अर्थ को एक से बच जाते कितनी बार उड़ के चले आते इधर उधर, मगर ऐसा नहीं है। सो इसका मतलब है कि सिर्फ सब कुछ वो थ्योरी से नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ कंट्रोल है, कुछ ना कुछ सेट चल रहा है, इसलिए हमारी लाइफ में कुछ भी होगा सब कुछ कंट्रोल से चल रहा है। सो ठीक है, दैट्स ओके, फिर दुख क्या होना है, सब कुछ प्लान्ड है हमारी लाइफ। अब वो प्लान्ड क्यों है, हमें कोई लेसन देने के लिए। वो नारद मुनि ने यही कहा चित्र के, तुम बेवकूफ हो, तुम शोक में ये भूल रहे हो कि तुम्हें कुछ मैसेज दिया जा रहा है, कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। भी कंट्रोल क्यों किया जाता है, दो तरीके से कंट्रोल, दो लेवल पे कंट्रोल किया जाता है, एक कंट्रोल किया जाता है एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक कंट्रोल किया जाता है कुछ सिखाने के लिए। सो जो गंदे लोग होते हैं, हिटलर और ये, वो लोग कंट्रोल करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, टीचर्स और पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं कुछ सिखाने के लिए, नहीं तो कंट्रोल हमेशा बुरा नहीं होता। सो अब भगवान कंट्रोल कर रहे हैं अगर हमें पता है, तो उसका नेचुरल दूसरा कंक्लूजन ये है कि कुछ सिखाने के लिए कंट्रोल किया जा रहा है, मगर आप सीखोगे तब जब आप इस शोक में डूबोगे नहीं, जब अटैचमेंट्स में नहीं होगा, अटैचमेंट्स होगा तो शोक होगा तो भूल जाओगे कंट्रोल में, और फिर आप सीखना बंद कर दोगे, तो आप मैसेज को डीकोड नहीं कर पाओगे। पूरी लाइफ एक टीचिंग है, एक टीचिंग है। एक वाइज आदमी हर मोमेंट से सीखता रहता है, एक मूर्ख आदमी हर क्षण अज्ञानी और अज्ञान में धंसता रहता है, वो और घबरा जाएगा और लेमेंट करता रहेगा। नारद मुनि की बहुत अच्छी एडवाइस है। नारद मुनि बच्चे नहीं है, ऑफकोर्स नहीं, मतलब हम लोग इनको ऋषि कहते हैं, मगर एक्चुअली अगर वेस्टर्न एंगल से देखोगे तो फिलोसफर्स हैं, मतलब हम इनको से हम रिलीजन और फिलोसफी को अलग करते हैं, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, मतलब इससे बड़ी फिलोसफी क्या होगी। सो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो हमेशा कि मेरी लाइफ कंट्रोल में चल रही है, तो कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहा है मुझे हर सेकंड, देयर इज अ मैसेज गिवन टू मी, और उस मैसेज को समझने की कोशिश करो, मगर उसको डीकोड तभी कर पाओगे जब नॉलेज होगी, बिना नॉलेज के डीकोड क्या करोगे, आपको पता ही नहीं, एक मैसेज आ गया आपको पता नहीं डीकोड कैसे करना है, तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इसलिए नॉलेज से दिखाई देने लगती हैं चीज़ें। वो क्या है, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि अस्ति सुनी चाहे पशुपा के चाहे पंडिता समादर्शिना, वो देख पाएगा। विद्या से हम देख सकते हैं चीज़ें, जैसे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्यों देख पाते इतनी सारी चीज़ें, फिनोमेना देख सकते हैं ना लॉस, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज से लॉस देखते हैं और न्यू लॉस ढूंढ लेते हैं, ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर पाता। ये डॉक्टर है, डॉक्टर डायग्नोस कर लेगा, अब ऑर्डिनरी आदमी कहेगा अभी पता नहीं क्या हो रहा है, बिना कुछ करे। मतलब एक आप एक नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल आदमी बोलेगा किसी दूसरे फ्रेंड को पेट में दर्द हो रहा है, उसको पता नहीं लगेगा, डॉक्टर को बोलेगा पेट में दर्द हो रहा है, उसको पता लग जाएगा, इंफॉर्मेशन सेम है,
मगर कंक्लूजन बिल्कुल अलग है। एक आदमी को पता लग गया क्या बीमारी, एक आदमी को नहीं पता लगा, सेम इन्फॉर्मेशन से यू सी। सो इस संसार की ना इन्फॉर्मेशन सबको सेम ही मिल रही है, एनिमल को भी सेम मिल रही है, आपके मिलनहार के लोगों को भी सेम मिल रही है, परपड़गंज के लोगों को, हमें भी सेम मिल रही है, मगर सब किसी डिफरेंट एंगल में डिकोड कर रहे हैं। एनिमल तो कुछ समझ नहीं पा रहा, ह्यूमन जिसको को नॉलेज नहीं गीता की वो कुछ और ही समझ रहे हैं, मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। हम लोग सही तरीके से डिकोड करते जा रहे हैं, और इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में जिसको नॉलेज नहीं भगवद गीता की, जो भगवान के डायरेक्शन में चल रहा, वो जितने दिन जिएगा इस संसार में उतने दिन बंधन में फंसता रहेगा। वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से डिकोड करता जा रहा है ना, और गंदा होता जा रहा है, उसकी लस्ट, उसकी एंगर, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जा रही है। ये होता है ना, बचपन में कितने खुश होते हैं, बड़े होते होते बिल्कुल चेहरा लटक जाता है, बिल्कुल डल हो जाएगा, क्या हो गया भाई यार, संसार तो बहुत ही प्रॉब्लम है, कहाँ फंस गए, गलत तरीके डिकोड करता जा रहा है। और एक सेंट को आप देखो हर सेकंड खुश रहेगा नहीं, क्योंकि वो सही तरीके से समझ रहा है ना संसार को। सो नारद मुनि कह रहे च उदितानी शमायाया, जिसके तू समझने की कोशिश करो और बार बार इसको समझो, बार बार सुनो, बार बार सुनोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, याद रहेंगी तो फिर आप प्रैक्टिस में ला सकते हो, वरना प्रैक्टिस में नहीं ला पाओगे। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो आज से, आप चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, ये सोचने की कोशिश करो भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर नॉलेज लो, गीता पढ़ो, नॉलेज लेकर उसको डिकोड करने की कोशिश करो, और तब भी समझ नहीं आ रहा तो डिवोटी से एसोसिएट करो, फिर पूछो कि भी इस लाइफ के इंसिडेंट से मुझे क्या मैसेज दिया जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप प्लीज बताइए, तभी तो वाइज लोगों के पास जाते हैं। वयम च त्वम च ये च ए में, नारद मुनि कह रहे हैं कि देखो भाई चित्रकेतु तुल्य काल चराचरा, कि संसार में सब कुछ समय चलाता जा रहा है, तुम्हें, मुझे, तुम्हारी वाइफ्स को, तुम्हारे मिनिस्टर्स को, जन्म मृत्यु था पश्चात, और सब लोग इस जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हैं। जन्म लेने से पहले हम कहीं और थे, मृत्यु के बाद हम कहीं और चले जाएंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें सब की सब, प्राण नएवम अधुना अपि भो, ये सारी चीज़ें जो तुम सोच रहे हो ये तुम्हारे माइंड में एग्जिस्ट कर रही हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मेरा रिलेशनशिप है, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एजम्पशंस में जी रहे हैं। माया का मतलब पता है क्या होता है? एजम्पशन, मिसकंसेप्शन। प्रभुपाद यही ट्रांसलेट कर रहे हैं, मिसकंसेप्शंस में जी रहे हैं, क्योंकि मैं राइट कंसेप्शन में लाई नहीं, ना पेरेंट्स ने दिया, ना फादर मदर ने दिया, और ना हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हमारा तो कबाड़ा हो ही गया, और अपने बच्चों का भी कबाड़ा कर रहे हैं नहीं। सो इसलिए कहा जाता है, पता है क्या होता है, क्या कहते हैं, चोर का बेटा क्या बनता है? चोर। मूर्ख का बेटा यही होता है। इसलिए सबसे बड़े दुश्मन इस संसार में पता है कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है एक अज्ञानी माता पिता, सबसे बड़े दुश्मन है। सबसे पहले तो उनको छोड़ो, तब कुछ हो सकता है। अगर वो अज्ञान, वो आपके साथ ही रह रहे हैं, वो बेवकूफ लोग, और गलत एडवाइस कर करके आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें भर देंगे जो कि कभी निकलेगी नहीं, बचपन में चली जाती, नहीं निकलती ना। इसलिए शास्त्र में लिखा है सबसे पहला गुरु है मदर, सेकंड गुरु है फादर। अगर वही ट्रेंड नहीं है तो बच्चा गया काम से। इसलिए पहले ज़माने में बच्चों को गुरुकुल भेजते थे कि भी 5 साल की उम्र में चलो बच्चे गुरुकुल चला जाए, एक सही शिक्षा मिलती रहे, क्योंकि गुरु तो ट्रेंड है ना। और फिर जब बड़े होकर आता था तब ठीक था, बचपन में अपने पास ही रखते थे, मगर अब सोसाइटी बिल्कुल उठी, बचपन में अपने पास रखते हैं फिर बड़े होकर अमेरिका भेज देते हैं, वो उल्टा है, पहले को उल्टा था, बचपन में भेज देते थे, बड़े होकर बुला लेते थे, क्योंकि सब कुछ उल्टा चल रहा है, सोसाइटी बिल्कुल उल्टी टंगी हुई है, सब कुछ गलत है, सारी पॉलिसीज गलत है, सब कुछ विचार गलत है। इनफैक्ट अगर आपको सही डायरेक्शन में चलना है ना तो आप जो कर रहे हो उसको उल्टा करने लगो, बस सब बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो लोग कर रहे हैं ना उसको बिल्कुल उल्टा करना शुरू कर दो, अपने आप ही आपको, आप सही रास्ते पे आ जाओगे, देख लेना। क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी है नीचे जाना। पानी की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? नीचे जाता है वो, ऐसी मन है, मन की टेंडेंसी गलत डायरेक्शन में जाना।
तो पानी को बॉईल करोगे तब भाप बन के ऊपर जाएगा। जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक ऊपर नहीं जा सकते, तपाएंगे नहीं अपने आप को। तपस्या, तपस्या क्या है? तपस्या है डिवोटीज की एसोसिएशन करना, यही तपस्या है। नहीं तपस्या है ये, भक्तों का संग करना इतना आसान नहीं है, मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं बैठ पाएगा। अगर लेक्चर सही चल रहा है तो, अगर स्टोरी चल रही है तो कोई भी बैठ जाएगा, नहीं कथा, मगर मेरे लेक्चर में नहीं बैठ सकता एक ऑर्डिनरी आदमी, वो परेशान हो जाएगा क्या चल गया। क्योंकि हम तो डायरेक्टली एज इट इज बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं सोचते कि भी इसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, जो है वो है, तुम्हें मानना मानो नहीं माना तो गेट लॉस्ट, दैट्स ऑल फिनिश। करोड़ों लोग हैं, फिर तपस्या है ना, क्योंकि मतलब आप लोग भी जब नया आओगे तो आपको अजीब सा नहीं लगा होगा जब मैं बोलता हूँ, है नहीं? आप लोग अभी नहीं हो, आपको अजीब सा नहीं लग रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ? बट एनी वे आप एक्सपोज हो थोड़ा सा। लेकिन फर्स्ट टाइम कुछ लोग मेरे साथ आए थे तो दे डिडंट लाइक, दे माइट नॉट हैव लाइक्ड, है ना, उनको लगा अजीब, अजीब लगा ये क्या बोल रहे हैं यार, ये तो उल्टी फुल्टी चीज है, बट ठीक है, दैट्स ओके। But now they are धीरे-धीरे now they are getting tuned because they are realizing the reality ना। तो ये चीजें ना अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये चीजें आपके सारे thought process के बिल्कुल उल्टा जा रही है, जो बचपन से सिखाया गया उसके बिल्कुल उल्टा चल रहा है आपको। एडवाइसेस आप कहोगे यार ये क्या बोल रहे हैं कैसे, जैसे मैंने आपको नहीं बोला था शुरू में टीवी मत देखो, आप ही तो कह रहे थे कि यार टीवी कैसे बंद कर दें, तो क्या बोल रहे हैं टीवी मत देखो, टीवी है तो क्या है, टीवी और बीवी कभी नहीं छूटती, ये ऐसे होता है क्या, बीवी नहीं छूटती, टीवी फिर भी चलो दोनों चिपक जाती है, नहीं ऐसी है ना, नहीं है ऐसा, नहीं है डिवोटी फैमिली अलग हो गई ना, डिवोटी में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यू अंडरस्टैंड, ये बात सही है। सो हम बोले टीवी छोड़ दो, हम तो पहली बार में बोल देते हैं छोड़ दो, इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड समथिंग, अपनी लाइफ परफेक्ट करनी है समझना है तो छोड़ दो भैया, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, एब्सोल्यूट ट्रैश अपने माइंड में भर रहे हो, नहीं सो कोई फायदा तो है नहीं। आप गंदी चीजें माइंड में भर रहे हो, वायलेंस भर रहे हो, पॉलिटिक्स भर रहे हो, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों सीख रहे हो, क्यों देख रहे हो आप? ऐसे मैंने बोला था न्यूज़पेपर बंद कर दो, नहीं आप अभी तो कह रहे थे न्यूज़पेपर पहले हम एक एक घंटा पढ़ते थे, अब मतलब अब समय आ गया कि हम क्या कर सकते हैं, अगर मोदी कुछ कर रहे हैं हम क्या कर लेंगे उसका, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में, अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो भी अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो जो कर रहा है कर रहे हो, आप जो कर रहे हो आप करते रहो, है नहीं? सो इसलिए पता है शायद चित्रकेतु को ना नारद मुनि की बात शायद अच्छी नहीं लग रही होगी, नारद मुनि बिल्कुल मतलब किसी का बेटा मर गया और आप कह रहे हो यार दुखी क्यों हो रहा है, वो कहेगा अरे भाग जाए यहाँ से यार तू खद हो गई, मतलब ये ऑर्डिनरी आदमी तो ऐसे ही कहेगा, ज्यादा ज्ञान पढ़ाने आ गए मेरी हालत खराब हो रही है, यही कहेगा। तो पीपल डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स, बट क्या है कि हम ऐसे नहीं चलते लाइकिंग डिसलाइकिंग से ना, हम ट्रूथ बताते हैं, क्योंकि जो भगवान बता रहे हैं हम बता देते हैं भी। अब हमारा काम तो पोस्टमैन का है ना, हमारा काम कोई इंटरप्रेट करने का थोड़े ना है, सो वी टेल, और जो सही लोग होंगे वो समझ जाएंगे, जो जेन्युइन होंगे, जो कपटी होंगे, जो हमारे पास आए हैं पैसे के लिए, पूजा ना प्रत्यक्ष के लिए, वो अलग हो जाएंगे, तो हमारे लिए बेटर ही हो गया, जैसे छलनी नहीं होती, खराब चीज अपने आप चली आती है, क्योंकि अगर आप गेहूं का भूसा भी रखोगे ना तो आपको ही प्रॉब्लम होगी खाने में, देख लेना, आप छानोगे नहीं प्रॉपरली उसकी कवरिंग जो भी है। तो पहले के लोग, पहले के लोग सुनते रहते थे ना रामायण महाभारत, पहले के लोग तो मैंने देखे, मेरे नाना जी थे वो करोड़पति थे और जीरो हो गया एक दिन, एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एब्सोल्यूट जीरो, इतनी ऐसी हालत हो गई कि एक दिन उनको, कुछ दिनों उनको घास काट के घास की रोटी बना के खाना पड़ रहा था, मतलब ये हालत हो गई। इज इट ट्रू? मैं झूठ थोड़ा ना बोलूंगा। या जो नहीं नहीं एक्चुअली ये रियल है, क्योंकि जो मेरे कजन नाना है वो जा रहे थे उनसे मिलने का, तो उन्होंने कहा कि भी तुम घास खा रहे हो, मतलब उनके आंखों में आंसू, उन्होंने कहा क्या करूं भूख लग रही है बच्चों को, मतलब जीरो हो गए, जीरो डेप्थ में भी चले गए। बट
उन्होंने कहा चलो जो भगवान की इच्छा, और फिर से मेहनत करके फिर से अमीर बन गए। पहले के लोगों को था कि सुनते थे ना, सही नॉलेज आती थी, मगर अब नॉलेज नहीं दी जा रही तो लोगों को पता ही नहीं। इनफैक्ट नहीं, उल्टी नॉलेज दी जा रही है, उल्टी नॉलेज दे रहे हैं कि भाई भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, उल्टी नॉलेज दी जा रही है। कन्विंस किया जा रहा है कि नहीं है, फिर नॉलेज नहीं, एविडेंस से कन्विंस किया जा रहा है। मतलब इट्स अ टोटली डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ मतलब, और किसने देखा है, क्या किया, आत्मा नहीं है, देख लो कहाँ है एविडेंस, तो ये सब उल्टी फुल्टी बातें करके। तो साइंस का मेजर रोल है इसमें, हमें गलत डायरेक्शन ले जाने के लिए। साइंस इज अ परस्यूट ऑफ ट्रुथ, मगर अनफॉर्चुनेटली साइंस ही हमें गलत रास्ते पे ले जा रही है नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा साइंटिस्ट को चैलेंज करो। अगर साइंस को आपने उसको डिफ्यूज कर दिया कहीं से, तो दुनिया चेंज हो जाएगी, क्योंकि सबके दिमाग में साइंस का भूत चढ़ा हुआ है ना, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, साइंटिफिक फैक्ट, ये फैक्ट, वो फैक्ट। इसलिए मैं साइंटिस्ट को प्रीचिंग करता हूँ, मैं अमेरिका जाता हूँ, मेरा काम, मेरी सेवा साइंटिस्ट को प्रीचिंग करना, साइंटिफिक प्रीचिंग करना, क्योंकि अगर वहाँ से डिफ्यूज हो गया, मगर है मुश्किल वो बहुत क्योंकि साइंटिस्ट वो मानते नहीं, सुनते नहीं, और इट्स अ वेरी टफ जॉब। मगर कर दिया आपने तो खत्म। जैसे ब्रिटिशर्स ने कहा भैया अगर इंडिया से वेद हटा दिए तो इंडिया गया, तो उन्होंने 100 साल काम किया इस पे, मैक्स मुलर, मोनिया मिलना माया, मिस ट्रांसलेट किया, लोगों को कन्विंस किया, सक्सेसफुल हो गए। वेद हटते ही, संस्कृत हटते ही इंडिया खत्म हो गई। नहीं, संस्कृत होती तो बची रहती, क्योंकि सारा अच्छी नॉलेज तो संस्कृत में, सारी गंदी नॉलेज इंग्लिश में। नहीं, आप कालिदास पढ़ो, आप गधे से इंसान बन जाओगे। शेक्सपियर पढ़ो, इंसान से गधे बन जाओगे। ये शेक्सपियर पूरा रोमांस और सेक्स यही चल रहा है इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर में, तो और क्या है। सो मैं क्या कह रहा था, वो तो है ही, मतलब पॉइंट क्या था, गलत डायरेक्शन में जाता है। इसीलिए पता है क्या, इसलिए अगर आपको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, तब भी बुद्धिमान लोग हैं, संग करते रहो, क्योंकि डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लगेगा। मूर को किसके अच्छा लगेगा, मूर के तो अच्छा लगेगा, और क्या है, राम मिलाए जोड़ी कन्हैया कौड़ी। फूलिश पीपल लाइक कंपनी ऑफ फूल्स, क्योंकि वो गाली देगा, वो भी गाली देगा, उसको मजा आएगा। और अगर बुद्धिमान लोग की कंपनी में बैठोगे, आप गाली दोगे, वो कहेगा शट अप, अब कहोगे यार ये क्या है। सो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि एक्चुअली गीता में लिखा है, कृष्णा कह रहे हैं जो पहले अमृत होता है बाद में जहर होता है, मगर जो पहले जहर जैसा लगेगा बाद में अमृत होगा। इसलिए हमेशा वो सिचुएशन चूज करनी चाहिए। कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चूज मत करो तुम्हें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। श्रेय श्रेय मतलब प्रेयर से नहीं चलना चाहिए, प्रेयर अच्छा बुरा से नहीं चलना चाहिए, हमेशा ऐसे चलना चाहिए कि भी मेरा बेनिफिट हो रहा है, मेरा चरित्र बन रहा है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक है। ऐसे ही होता है, नहीं होता है। सो नारद मुनि ने कहा कि वेल चित्रकेतु ट्राई टू अंडरस्टैंड। नारद मुनि ने कहा कि भूते भूतानि भूते च सृजति अवति हन्ति च, इस सब कंट्रोल के पीछे भगवान है। सो जो सिचुएशन आई है ना तुम्हारे लाइफ में कि तुम्हारा बच्चा मर गया, ये सिचुएशन आई इसलिए तुम्हें सिखाने के लिए कि भगवान तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान तुम्हारे पीछे खड़े हैं, भगवान का एक इनविजिबल हैंड है जो तुम एज अ किंग भूल गए थे। राजा की पोजीशन तो ऐसी है ना कि वो खुद ही कंट्रोलर पोजीशन में, वो तो भूल ही जाएगा, तुम भूल गए, इसलिए भगवान ने तुम्हें इस सिचुएशन में रखा है। और जस्ट एज अ बॉय अनपेक्षो अपि बालवत, जैसे बालक एक समुद्र किनारे एक घर बनाता है फिर तोड़ देता है, ये घर बनाता तोड़ देता है, ऐसे ही भगवान इस संसार को बनाते हैं और खत्म कर देते हैं। सो बच्चा बनाता है तो फादर आगे करते हैं, कहते चलो चलो तोड़ देते हैं, बच्चा बनाते फिर तो फादर को इंटरेस्ट नहीं है, वो बनाए कुछ करे, फादर फादर तो बस उसको
डायरेक्शन दे देता है। इसलिए भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है संसार में, मगर येट फिर भी संसार की क्रिएशन करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, क्यों कर रहे हैं आप बताओ, क्यों कर रहे हैं? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर भी करते हैं, क्यों करते हैं? हमें सिखाने के लिए, हमें जन्म देते हैं, मृत्यु करते हैं, इतनी सारे इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं, और हर एक व्यक्ति की लाइफ को भगवान इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है, और डिफरेंट प्लान चल रहा है आपकी लाइफ में डिफरेंट, क्योंकि हर एक की डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग है ना, डिफरेंट लेवल्स पे टीचिंग चल रही है ना। सो इसलिए ऐसे जो मॉडर्न सिस्टम है ना, मॉडर्न सिस्टम का एजुकेशन भी गलत है, हर बच्चे को सेम एजुकेशन देना, ऐसा नहीं था। वैदिक सिस्टम में उसके कैलिबर के अनुसार उसको एजुकेशन दे देते, एक बच्चा आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ा देंगे, समझ आ रहा है, नहीं बढ़ रहा तो उसको नेक्स्ट लेसन नहीं देंगे। सो भगवान ऐसे ही करते हैं, भगवान हर एक के लाइफ में, सो यू सी इतना सब कुछ, मतलब एक गुरु बच्चों को कंट्रोल कर रहा है, सिखा रहा है, उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ट्रेडिशनल गुरुकुल में, मगर फिर भी वो कर रहा है, इतना पेंस ले रहा है, क्यों? क्योंकि जिससे उसको कल्याण हो जाए। सो भगवान इतना सब कुछ कर, इतने बड़े संसार को चला रहे हैं, प्रलय करते हैं और प्लान करते हैं, भगवान को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो चित्रकेतु कह रहे हैं कि, अब नारद मुनि कह रहे हैं चित्रकेतु इस इंसिडेंट में भगवान की कृपा देखने की कोशिश करो और अपनी होप छोड़ दो कि ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। मैंने होप की बात की, कृपा देखो भगवान की, भगवान दिखाना चाहते हैं कि भगवान कितने मर्सीफुल हैं, कि तुम्हें इस सिचुएशन से भगवान सही डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भगवान। और तुम उल्टा सोच रहे हो कि मेरा ऐसा क्यों हो गया, यही सोचते ना, और शोक में चले गए। सो नारद मुनि कह रहे हैं आत्मश्रेष्ठैर अश्वतंत्रैर, कि हम सब एक तंत्र में फंसे हुए हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स समझ लेंगे, सुन देंगे नहीं देखिए, और उस मैट्रिक्स को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। और भगवान क्या क्या करते हैं, तो भगवान कभी कभी गवर्नमेंट और किंग्स के द्वारा हमारा वेलफेयर कराते हैं। यू नीड वाटर, चाहिए पानी, चाहिए आप पानी है दोनों। सो कभी कभी भगवान सांपों के द्वारा मरवा देते हैं हमें, लोगों को, तुम्हारे पुत्र को मरवा दिया। सो भगवान के पास एजेंट्स हैं क्रिएशन के, मेंटेनेंस के, डिस्ट्रक्शन के, हमें प्रॉब्लम्स देने के लिए सब एजेंट्स भगवान ने रखे हुए हैं, और वो एजेंट इसलिए रखे हुए हैं कि जिससे हमें 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 कुछ गाइडेंस दे सकें। ऐसे शिव जी एक एजेंट हैं भगवान के, विष्णु, ब्रह्मा जी एजेंट हैं, विष्णु तो खैर खुद ही हैं, देवी देवता भगवान के सब एजेंट्स हैं, सबके सब प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा सब भगवान के एजेंट्स हैं, सब दिन रात करते रहते हैं, हम सोते हैं जागते हैं, सोते हैं जागते हैं। सो नारद मुनि कह रहे हैं कि ये समझने की कोशिश करो, इस पर कृपा देखो इस पर, और सेटिस्फाइड रहो भगवान की कृपा देखकर, अननेसेसरली होप अगेंस्ट होप करके लाइफ को मत जियो। नहीं, लोग होप अगेंस्ट होप है ना लोगों की, तभी तो लोग योगा कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मतलब यो लोग योगा करना खराब नहीं है, मगर लोग ऐसे योग करते हैं जैसे कि मरेंगे ही नहीं, हम आपको इतना हेल्दी कर लेंगे कि कभी इस तरह से, मतलब फैनेटिक होके नहीं, दैट्स होप अगेंस्ट होप। आप किसी से पूछोगे ना तुम मरोगे, उसको विश्वास नहीं होगा, आप पूछ लो किसी को, होता है आप लोग सोचते हो आप मरोगे, आप लोग सोचते हो आप मरोगे, कोई नहीं सोचता, आप एज ए डिवोटी सोचते होगे, मगर नॉन डिवोटी नहीं सोचेगा कभी। मगर खैर वैसे एक बात है, आपको अभी भी नहीं लग रहा आप मरोगे, फ्रैंकली अगर आपको लगता है ना मरोगे तो आप भगवान को भूल नहीं सकते, भूल नहीं पाओगे आप, है नहीं। अगर आपको कोई टेररिस्ट आईसिस वाला किडनैप करके ले जाए तो क्या करोगे, 24 घंटे माला घूमेगी फुल स्पीड पे खाना पीना सब भूल जाओगे आप। सो मगर इसलिए अभी आपको लग ही नहीं रहा, आपको डर ही नहीं लग रहा कि मरोगे, क्योंकि अभी भगवान को भूल रहे हैं ना, हम अपने प्लान्स बनाते जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे यो करेंगे वो करेंगे, भैया मृत्यु पीछे है। और कोई कॉन्शियस हो गया इस बात का तो माला नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ेगा। द फैक्ट कि हम आराम से बैठे हैं, भगवान को भूल गए हैं, आराम आराम चल रहा है, इसका मतलब हमें हमें
ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हम मरेंगे कभी, हम वो फैक्ट ही भूल गए, हम नॉलेज में है मगर रियलाइजेशन में नहीं है, वो है नहीं। और माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, है नहीं। माइंड तो हजार चीज़ों में क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा वो करूँगा, जो कन्विंस्ड है भैया मेरे मैं मरने वाला हूँ, तो जो हो रहा है हो रहा है, देख लेंगे उसको, सॉल्यूशन कर लेंगे, मगर अभी जब करो ऐसी होगा नहीं होगा। सो प्रैक्टिकल चीज़ कुछ और होती है पता है, और थ्योरी बिल्कुल कुछ और होती है। इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि दो चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए, एक मैं और एक मृत्यु। मृत्यु को भूल जाओगे तो मुझे ही भूल जाओगे। मृत्यु भगवान ने बनाई इसलिए, डिज़ाइन ही इसलिए किया है कि इससे उसको याद रहे कि भैया सब खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली चीज़ परमानेंट क्या चीज़ है, इसका तो ढूंढे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, परमानेंट क्या है। सो परमानेंट चीज़ ढूंढने के लिए डेथ बनाई गई है। सो एक्चुअली कई फिलोसफर्स कहते हैं कि भगवान की असली ब्लेसिंग लाइफ नहीं है, असली ब्लेसिंग क्या है, डेथ। क्योंकि डेथ नहीं होगी तो आप कभी ट्रुथ तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों ढूंढेगा कोई ट्रुथ, नहीं मैं मरूंगा, अगर मान लीजिए आप में कोई नहीं मरता तो आप आते हैं, ठीक है। अगर मतलब इटरनल लाइफ है, मैं कुछ सॉल्यूशन करता रहूंगा, कुछ सॉल्यूशन ठीक कर लूंगा, सॉल्यूशंस ढूंढते रहते आप, मगर आपको पता है ना कि अब एक दिन एंड आएगा आपका, सॉल्यूशन ढूंढने का भी टाइम नहीं होगा, और फिर क्या होगा उसके बाद आपको पता नहीं। सो डेथ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अगर डेथ नहीं हो तो आप जी भी नहीं सकते, समझ रहे हो। सो डेथ के बिना लाइफ की भी कोई मीनिंग नहीं है, डेथ गिव्स अ मीनिंग टू लाइफ। बिना डेथ के लाइफ की कोई मीनिंग नहीं होगी, आप एनिमल की तरह जियोगे। डेथ को देख के ही तो फिलोसफर्स फिलोसफाइज करते हैं, यही तो कहते हैं भी सब कुछ छिन जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सोचो क्या करना, यही कहते हैं ना लोग। इसको कहते हैं नॉलेज। एक शूद्र डेथ के बारे में सुनकर डर जाएगा, नहीं नहीं इसकी बात मत करो, इसकी यही कहेगा ना। और नॉर्मल से बात करो यार सब मर जाएंगे, कहेंगे नहीं यार ये सब बात मत करो, पॉजिटिव बात करो, यही कहेंगे ना। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं है, वो बेवकूफ है। वाइज आदमी आएगा, नहीं नहीं एक्चुअली इसका मीनिंग है, उसमें गिव्स अ मीनिंग टू लाइफ। ये ब्राह्मण है नारद मुनि, ये समझा रहे हैं। नारद मुनि की एडवाइस, इट्स अ गुड एडवाइस। ओके, कल मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन 9:00 हो गए हैं। एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग? ये थोड़ा डीप है इसलिए मैं थोड़ा डिस्कशन चल रहा हूँ। नारद मुनि भगवान की शक्ति अवेश अवतार है। भगवान ने अपनी शक्ति अवेश अवतार, भगवान ने अपनी शक्ति डाली हुई नारद में, स्पेशल सोल है। या उसमें क्या है, प्रभुपाद एग्जांपल दें, जैसे सैटेलाइट कंट्रोल नहीं कर रही, सैटेलाइट आपके हर सेंटर को कंट्रोल कर रही है ऊपर से, हर बैंक को इंडिविजुअली, हर सेंटर का अलग अलग इन्फॉर्मेशन जा रही, सब कंट्रोल्ड है। तो भगवान वहाँ बैठ के इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहे हैं, मगर भगवान का मैकेनिज्म उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के अंदर आके एक्सपैंड होके बैठ गए, सो वो और ज़्यादा डीपर कंट्रोल है। सैटेलाइट का कंट्रोल इतना वैसे कंट्रोल, डीपर कंट्रोल नहीं है, वो तो अंदर ही बैठ गए एक्सपैंड होकर, मतलब आपसे ज़्यादा उनको पता है आप कौन हो। आप चीट नहीं कर पाओगे उनको, आप कुछ नहीं छुपा सकते उनसे। सो ही इज देयर, उनके कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं है। ओके, और कुछ पूछना है अदरवाइज? छोटे बच्चे के साथ डेथ के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? जैसे बेटा है 5-6 साल के बीच में, तो कल एक वो कार्टून मूवी देख रहा था, वो कौन सी थी, वो डेली कुछ ऐसे करके थी, कार्टून थी, दैट वाज ऑन एनिमल्स। तो जंगल में ना एक इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ इंसान लोग आ रहे थे, तो सबसे एक फैमिली दिखाई थी, उसमें शेर, शेरनी और छोटा सा बच्चा। तो वो इंसान ने अपनी मशीनें वगैरह बेच के शेर को गोली से उड़ा दिया, और उसके फादर को। तो छोटे से बच्चे ने उसको देखा, जब बेटा ये मूवी देख रहा था, पूरी नहीं देखी, 10-15 मिनट की शुरू की थी। तो ये सीन देखने के बाद ना मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा टीवी बंद कर दो, सोने का टाइम हो गया। तो बड़ा परेशान हो गया, मतलब बेटा ये सीन देख के
और देर तक कुछ सोचता रहा, मैं देख रहा था, तो मैंने कहा बेटा क्या हो गया, क्या परेशानी है कुछ? उसने बोला उसने वो सीता के पापा को क्यों मार दिया, मतलब मैं समझा नहीं पाया इसको, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी इसको। नहीं आप बच्चे को, नहीं आप बच्चे को ये ट्रुथ बताओ ना, अभी से ये बताओ एग्जैक्ट ट्रुथ क्या है उसको। ऐसा हो सकता है समझना है, मगर सही आइडियाज़ घुसते रहेंगे उसके माइंड में कि मुझे बताया गया था बचपन में कि डेथ एक ब्लेसिंग है, उसे समझने की कोशिश करो कि तुम आत्मा हो, सब कुछ टेम्प्ररी है, लाइफ इटर्नल है, और भगवान से कनेक्शन बनाओ। अब एग्जैक्ट रियलिटी बताओ ना, रियलिटी बताओ, सत्य बताओगे तो कभी किसी की हानि नहीं होगी, छुपाओगे तो हानि होगी, ये होगा बस। सो वी हैव टू टेल किड्स, यू कैन टेल इन एन इंटरेस्टिंग वे, दैट्स अनदर पॉइंट। मतलब एक ब्लंट वे में भी बोल सकते हो, जैसे आप लोगों को मैं बोलता हूँ, मगर बच्चे को हो सकता है एक इंटरेस्टिंग वे में समझाओ। इसलिए पहले स्टोरीज होती थी, पंचतंत्र की कहानियाँ नहीं होती थी, तो उससे मैसेज चला जाता था बच्चों को। सो आप उनको इंटरेस्ट, आप चित्रकेतु की कहानी सुना सकते हो उसको, बेटे चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ एक, और फिर उसने कहानी भी सुन ली, मैसेज भी पहुंच गया, ठीक है चलो, उसको समझ आ जाएगा यार कि डेथ बुरी चीज़ नहीं है, ऐसे तो सीखना चाहिए कि हम परमानेंट हैं। सो दैट विल बी ग्रेट बेनिफिट फॉर हिम। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी मुझे इस मूवी में उस बच्चे की बात इतनी अच्छी लगती है, उसके फादर के डेथ के बाद भी उसने बहादुरी से कैसे अपने जिंदगी को जिया, एंड उन्होंने जो लोग गलत कर रहे थे उसको ठीक कर दिया, दैट वाज दी। तो इसमें लाइक व्हाट ही सेड वाज, मतलब मुझे सही लगा कि उसने गलत लोगों को वो कर दिया, तो इंटरप्रिटेशन उसकी ये थी। हाँ। तो ये इंटरप्रिटेशन भी मैं समझाऊँ जो अभी आप कह रहे हैं, आप उसको ये बताओ ना रियलिटी, आप उसको बोलो कि अच्छा है गलत लोगों को मार दिया, बहुत अच्छा है। अब अल्टीमेटली उसको समझाओ कि अल्टीमेटली चाहे गलत हो चाहे अच्छा हो, सब रिलेटिव है। अगले जन्म में ये अच्छा आदमी गंदा गंदा बन जाएगा, बुरा आदमी अच्छा बन जाएगा, हमें क्या पता। सो भगवान से कनेक्शन बनाओ, और असली में कोई मरता थोड़ा ना है, तो बॉडी मरी है ना, इसके बाद क्या होगा। ये 5 ईयर्स की उम्र से ये नॉलेज देनी चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में चली जाएगी, हो सकता है कुछ समझ नहीं आया, बट दो सीड्स विल गो इन हिज माइंड, दैट्स हाउ वी हैव टू डू। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की, जय।